एडे गोवा जा रहा हूँ। गोवा जा। अरे भाई क्या आदमी है भाई तू यार। गोवा लड्डू लेके आया भाई। कमोड पे आकर लगा लगा आदमी चले चार बजी एम टाउन मुंबई आ चुके चैनल का ब्लॉग तो इतने दिन से आप करते डीएम हमें कि भाई ब्लॉग कहाँ है ब्लॉग कहाँ है ब्लॉग कहाँ। पहले हम जाएंगे हमारे भाई के कॉलेज में, उसे छोड़ के फिर वहां से निकलेंगे हम, और हम भी बना रहे हैं नाश्ते की। वो रास्ता है कुछ 21 घंटे का। क्या बना रहे हो? हमारे पराठे। किसके? सिंपल ब्रेड है या गोभी के? नहीं, गाजर मटर की सब्जी। ठीक, गाजर मटर की सब्जी कौन खाता है ट्रेन में यार। कोई बात नहीं गाइस, कुछ ना कुछ करेंगे। ये है पार्ट वन, तीन पार्ट में आएंगे, बहुत बड़ा वीडियो होने वाला क्योंकि, तो इसलिए फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्योंकि उससे पहले जो कुछ परवानी की जगह पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, तो ट्रेन में पूरे दिन निकालना पड़ेगा और ठंड भी इतनी ज्यादा है। आरी जोरदार फिटिंग इसकी, आरी जोरदार। सारा सब जी ट्रेन है और अभी तक आधी तो रिसीव भी हुए नहीं, क्योंकि वो ले रहे वो iPhone 13 अच्छी अच्छी रील बनाने। तो कुछ टाइम हो रहा है 7:30 की ट्रेन है गाइस। समझ नहीं आ रहा, कुछ नर्वसनेस हो रही क्योंकि बिल्कुल घर से छोड़ के गए नहीं कहीं पे। मैं माउंट आबू उदयपुर को छोड़ के। क्या हुआ भाई? टेंशन है क्या? ठीक है अपा। ओके रख लिया। टेंशन रख लिए। मोजा रख लिए। पजामा रख लिया। चलिए बिना पागल के। तो गाइस हम आ चुके हैं स्टेशन, अभी मामा जी आ गए। हल्ले हल्ले। अरे अनुज भाई दो लगाऊं? खुश रहो बेटा भाई, सब्सक्राइबर आ गए आपके। सब्सक्राइबर जोड़ बैठे। अरे वो कह रहे क्या आप, किसके अलग है क्या आप अलग? हां वो है बाहर पागल निकल। तो बोलता है इधर आ रहा हूं, नाल किधर आ रहा हूं। अरे भाई क्या आदमी है भाई तू यार। अरे प्रिंस भाई तुम भी चल रहे हो क्या? नहीं भाई, तो बैग लटका रखा है, छोड़ना है ना भाई। भाई यार इतना लेट बोलना था ना यार, एंट्री तगड़ी कर दी। एंट्री तगड़ी कर दी इसने तो खेली मैन ने। फाटक बंद होती है, एक ऐसा धक 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 हो रही थी, बोल रही थी। ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। फोन लेते टाइम यार पता चले ट्रेन निकल गई। ये क्या वो भाई, इतने दिनों बाद फैंस की डिमांड। फैंस कह रहे हैं ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाओ, खूब देखा गाइस, खूब ब्लॉग आएंगे थोड़ा सा। ट्रेन चालू हो चुकी है, हम निकल रहे हैं हम गोवा ट्रिप पे। भैया की समझ गया भैया, सब्सक्राइबर मिल गया ट्रेन में हमको। चाय फ्लेवर का पियोगे दिखते रात के बच्चे के कुछ बहरा। और हम पहुंच गए कहाँ पे बच्चे पे? अपन पहुंच चुके हैं अब गाइस पंजी, 4 घंटे दूर भिलवाड़ा से। 4 घंटे दूर बात, 4 घंटे दूर ही है बस। 4 घंटे दूर ही तो पहुंचे भी तक। कितनी देर हुई? तो यहाँ से पहले जाएंगे परभणी, डायरेक्ट ट्रेन उतरेगी वहाँ। यार पता नहीं चला 4 घंटे निकल गए। परभणी में स्टेशन पर रुकेंगे, होटल पे जाएंगे कॉलेज छोड़ के। कैमरा उधर की साइड कर रुकेंगे, चाचा जी गिरने वाले हैं। उसके बाद फिर हम निकलेंगे गोवा गाइस। गोवा रतलाम दिखा दो आपको बाहर ही थी एंट्री। वाओ भाई व्हाट अ सीनरी मैन, व्हाट अ सीनरी, क्या मजेदार मजेदार। क्यों गए भाई? फर्स्ट सीट मिल डाइट। तो गाइस गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह की बज रही है 5 साढ़े 5 गाइस। ऐसे होते हैं लोग, ट्रिप चल रही है इनकी जब से आए जब से सो रहे हैं। एक तो ये है और ये है जिंदा। तो गाइस 5 की शुरुआत करेंगे, आईफोन की ओपनिंग करेंगे, महंगे लोग भाई स्टार्ट करें। ये रहा गाइस, गाइस कैसे एक हम लेके आए हैं 20 वोल्ट का पावर एडाप्टर और एक लाए हैं हम आईफोन 13 ब्लैक। अरे ब्रदर केवल खाली खोलो 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 खोलो, कहीं खाली डब्बा तो नहीं। और भाई प्रीमियम है भाई, भाई
मिडनाइट ब्लैक है ब्रदर भाई अच्छे से गाइस इससे तो साला टिकटॉक वाला रील बनेगा रे इससे गाइस हम स्पेशली पतली कमरिया बनाने के लिए लाए अंग्रेजों के साथ पतली कमरिया अंग्रेजों के साथ तो गाइस पैसा तो कुछ भी हो सकता है पैसा नहीं बाप हो तो ये उतर गए हैं वाओ एस्थेटिक एस्थेटिक तरीके से उतर आए क्या बात है मजा आई है अरे ये तो पूरा हेलो और ये भोपाल के भी आगे रतलाम से दूर और गोवा के बहुत तो गाइस अब हम सोच रहे कुछ चैलेंज करें आप बताओ मैसेज करके भैया पे डीएम करेंगे जितना चाहिए वाओ सिर्री है गाइस दामम चांद करने लगा दो लड्डू लेके आया भाई शर्म करो भाई भगवान से डरो थोड़ा देख ले पर कहां जिंदगी बाहर आए फिर भी कहां जा रहे हो ऋषि भाई हैं देखो मैं इस देश दुनिया से दूर सोने जा रहा हूँ देश दुनिया से दूर सोने जा रहा हूँ यही है मेरा बिस्तर ये मेरे को लगता है आजकल जी ने लड्डू खिलाया जिससे बेहोशी चढ़ गई भाई कैंसर मतलब साथ में बैठे अभी कहीं ले जाएंगे भैया गाइस अच्छा होगा लड्डू नहीं खाए थे भाई ऐसे तो तुम बदनाम कर दोगे गाइस हमारा शक सही निकला तो देखो बेहोश हो गया वो गाइस मेरे पापा को खबर कर दी जाए जल्दी जल्दी उनकी वाट लग रही है बच्चे की कितनी आठ बच्चे गए पांच नंबर करने पांच बजे से फ्रेश आ रही थी गाइस हम तीनों की तीन हमारे पास तो साबुन नहीं था लेकिन ये भैया मिले हमें भैया बिहार के बहुत ही अच्छे नेक दिल के इंसान उन्होंने कहा भाई पैसे ले जाओ मेरा जो भैया को चाहिए वो मिले जीवन में तो गाइस भैया ने कहा साबुन तो नहीं फेस वॉश ले सकते हमारे पास था लेकिन हम और गाइस को फेस होना है को फ्रेश होना है पर हम गए थे कमोड में वहाँ पहले ही पड़ी हुई थी इसलिए गाइस दूसरे वाले बाथरूम में जा रहे हैं पेपर सोप भी ले ले दिखा अभी पेपर सोप दिखा पेपर सोप देखिए गाइस हमने क्या किया हमारे पास पेपर सोप था नहीं एक पेपर पे फेस वॉश लगा अब वो हमारा बैठे थे एकदम बदबू की लहर आई गाइस किसी ने कमोड पे आकर रखा है तो गाइस देख सकते हैं आप मेरे हाथ ये जो टी शर्ट ऊपर करके क्यों कर रखे हैं गाइस हम हो चुके हैं फ्रेश मजा आ गया गाइस ट्रेन के फ्रेश होने में अच्छा लगा आज ये सब नाम पूरा हो गया हमारा सोचा नहीं था कभी ट्रेन के डब्बे में फ्रेश होने कैसा लग रहा है आज भाई आपका एक्सपीरियंस एक नंबर आदि भाई तो फोन चला रहे थे समझ नहीं है फोन नहीं चला रहे थे सर सबूत नहीं इसने गाइस 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 ढूंढता वो वजूद मिला गाइस गाना आता नहीं देखो याद किया हाँ। एक बात नोटिस की है हाँ। एक शायरी बताते हैं शायरी सुनाते हैं आपको आजकल का सिस्टम समझो भाई हाँ। जिसकी जेब में होवे गांधी उसके प्यार में शौरी होवे आंधी जी खत्म और पराठा भी बाकी है मैं पूछना अंकल से तेरे का चटनी चटनी दे रहे वाह ट्रेन चल गई हो बाय बाय आ जाओ अंकल जी आ जाओ अंदर ही पहुंच चुके हमारे ड्रीम स्टेशन मुझे नहीं ले परवणी पहुंच चुके हैं भाई के कॉलेज में कॉलेज में क्या भाई भाई के कॉलेज में अब चलते भी इसके दोस्त के हैं फिर कल चलेंगे हॉस्टल में और क्या भाई क्या सीनियर भाई क्यों भाई बहुत ही प्रेम व्यवहार के सीनियर है हाँ आप कमेंट करके बताएं देखते सुबह निकलते हैं शाम को भी ट्रेन मिल नहीं रही हमको अरे भाई पहले रूम भी देखेंगे हाँ रूम भी देखते गाइस हम आ गए ऋषि भाई कॉलेज वेटरनरी कॉलेज हरमानी कांति का आपको दिखाता टूर वेटरनरी डॉक्टर बनूंगा दुचाची वाहन तत् ये मराठी में लिखा है गाइस पास में भाई लोग भी अलग लगे मेरे को ऐसा लग रहा अलग ही जगह आज लोग बात है दो दिन से तो गाइस पूरा कॉलेज घूम चुके ऋषि भाई का एग्रीकल्चर फील्ड भी जा चुके हैं कॉलेज बढ़िया है भाई कॉलेज भी अच्छा है बहुत बढ़िया कॉलेज है तो फिर ऋषि भाई के हॉस्टल फिर देखते हैं गोवा की ट्रेन निकलते हैं आज ही ये काट देना गोवा इज डन ये काट गोवा गोवा
अरे यार पापा क्या कर रहे हो? पढ़ना ही है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सबने ही पहन रखा ऐसे, सबने यही पहन रखा। नया कौन सा ट्रेन में नहाते क्या? बाहर जाके नहाऊंगा मैं। गोवा की ट्रेन देख खा लेते। छाछ दे दो भैया, दो दे दो छाछ। बिना पेस्ट किया था, पानी टाइप लग रहा है, जटा जटा था। हाथी भाई चले, चार बज गई हैं। चलो भाई चलो, बैग बैग करो। तो क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे? ऋषि भाई का बैग लॉक हो गया, इन्हें पासवर्ड नहीं पता। लॉक नहीं हुआ है, लॉक हो गई नहीं है। लॉक हो गई नहीं कभी, तो ताला लगाना पड़ेगा छोटा। 15 मिनट रह गए ट्रेन के और यहाँ पे हम ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस बैग को। हाँ तो मेडवाना की ये क्या बोलते हैं, मंडारे की ट्रेन है। मंडारे नहीं, मंडारा की ट्रेन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मडवान की ट्रेन उस मार मोरगांव आएगा। मोरगांव है ना? अरे मार गांव आएगा। मडगांव भाई, खुद ही कंफ्यूज है भाई तू। जो भी है, मडवाना से मार गांव और वहाँ से भाई, वहाँ से हम चलेंगे सीधा कहाँ पर? बागा बीच या फिर बटरफ्लाई बीच। भाई साहब को आप तो नहीं जा पाए, लेकिन आपको वहाँ बैठे बैठे हम आनंद दिला देंगे पूरा। बटरफ्लाई बीच दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ आएगी मैडाना। और भाई सलमान खान लग रहे हो तुम तो। अच्छा गुजरते हुए गुजरना ऑफिस ना गुजरते हुए। और भाई देख देख भाइयो, मैं हम सबकी तारीफ नहीं करना चाहता, खासकर मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ेगा कि हमने सुबह से जी और जान एक कर दी रात से, और ये जी जान लगा के एडी से चोटी तक का जोर लगा के हमने ये पता लगाया सबसे पहले तो कि गोवा की जो ट्रेन है वो हमें परभणी से कैसे जानी है, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, किस लिए जाना है, सब कुछ पता लगाया। एक्स वाई जेड सब कुछ हमने अपने दम पे पता लगाया। गाइज अगर कोई भी गोवा जाना चाहता है परभणी से तो हमें कॉन्टेक्ट करें 946। दलाल बन रहा है। गाइस हम दोनों भाई सुबह से लगे हुए थे, इसने कुछ भी नहीं किया, सुबह से टाइम पास कर रहा, गाने गा रहा है। दोनों लगे हुए, मनमाड़ से मिली, मनमाड़ से जाएंगे मोरगांव। मैंने पूछा था, कुछ नहीं पूछा गाइस, सब कुछ अपने किया है। भाई सुबह से 6 समोसा खा चुके हैं और 1 समोसा और ले रहे हैं। भैया ओ समोसा। हम पहुंच चुके जनरल डिब्बे में मनमाड़ के। यहाँ से एक नया दोस्त बोल रहा, ऋषि भाई का नया दोस्त ऋषि भाई, एंजॉयमेंट। लगा वो ऐसा है कि आधी को आई बहुत से फ्रेश और बाद में यहाँ सही नहीं, तो इसलिए हम खींचने जा रहे हैं चेन। अब दिक्कत यहाँ की, यहाँ लिखा हुआ 1000 रुपए खींचने के या फिर 1 साल का जुर्माना, तो भाई क्या करना चाहिए? चेन खींच देंगे, 1000 रुपए दे देंगे। ब्रो पीचन बेबी, अरे भाई मजाक कर रहे है, तुम्हारे दोस्त है हम। गोली मार दो उसको, देखना भाई क्या हो गया तुमको। हाथी भाई मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। तुम्हें यहाँ पर फ्रेशर आ रहा, मैं चेन खींच देता हूँ। अरे भाई मरा यार, अरे मत खींच पकड़, अरे मत खींच भाई, मत खींच, अरे भाई मत खींच, अरे मत खींच भाई। 1000 रुपए लग जाएगा भैया, भाई वेट कर ले थोड़ी देर और, वेट मत करना तू बस भाई की टट्टी के लिए। और भाई और नीचे कौन है दिखो ना भाई, गाइस ये मर चुका है क्या? ट्रेन में जाते रहते हमारे साथ ट्रेन हम आ चुके हैं पी टाउन नहीं, पी टाउन एम टाउन मुंबई आ चुके हैं। गाइस गोवा इज ऑन गोवा।